पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वे नाई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वे नाई, चीरे वाले वेखदा वे मेरा लौंग वाचा। पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वे नाई, पिछे पिछे आंदा मेरी चाल वे नाई, चीरे वाले वेखदा वे मेरा लौंग वाचा, मेरा लौंग वाचा, मेरा लौंग वाचा, मेरा लौंग वाचा। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपने छोटे से सेटअप टूर को दिखाने वाला हूँ जो कि मैंने अपने खुद के यूट्यूब पेमेंट से बनाया है। और साथ ही मैं आपको आज के इस वीडियो में मैं आपको अभी ये भी बताने वाला हूँ कि मेरी अभी यूट्यूब से मंथली अर्निंग कितनी होती होगी। और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए क्या क्या प्रोसेस कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी ये जो मेरा सेटअप टूर है, अभी मैं आपको ये सारा अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। तो ये आप एक सबसे पहले देख सकते हो कि अभी मैं जहाँ पे वीडियोस को क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब जो भी मुझे जो स्क्रीन पे वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ, जो भी आपको मुझे आपको एक्सप्लेन करना हो, तो मैं यहाँ पे बैठ के आपको जो भी मतलब मेरे माउस है अपने कंप्यूटर के थ्रू आपको मतलब जो भी सारा प्रोसेस है मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ। इसलिए मैंने एक स्क्रीन बनाया और यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कि मैंने ग्रे कलर का यहाँ पे पेंटिंग कराया, जैसे कि सामने स्क्रीन रखा हुआ है, तो जो लेस अट्रैक्टिव कलर होती है वो ज़्यादा बेटर लगती है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे इस साइड में ग्रे कलर की पेंटिंग कराई। और साथ ही मैं आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो कि येलो कलर की पेंटिंग है, जो कि अभी आपको कुछ अट्रैक्टिव लग रहा होगा, आप कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है। तो अभी मैंने यही सोचा कि एक यहाँ पे हो गया कि सेटअप टूर की, मतलब यहाँ पे मैं बैठ के भी एक वीडियो अच्छे तरीके से बना सकता हूँ। और आप यहाँ पे नीचे में देख सकते हो कि सिंपल एक छोटा सा टेबल यहाँ पे है। और साथ ही मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं एक और यहाँ पे भी वीडियोस को क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मुझे इस टाइप के अगर वीडियोस को क्रिएट करना हो तो यहाँ पे एलोइस बैकग्राउंड आ चुका है। और यहाँ से मैं बल्ब ऑन कर देता हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि बल्ब मैंने ऑन कर लिया। और अभी मैं आपको पूरा लाइटनिंग सेटअप भी दिखाऊंगा कि मेरे किस टाइप का लाइटनिंग सेटअप है, कितने सारे बल्ब मैंने फिट किया हुआ है। तो आप एक यहाँ पे देख लिया कि मैं आप एक यहाँ पे खड़े होकर वीडियोस अगर मुझे मन हो तो इस टाइप में एक बना सकता हूँ। और साथ में एक यहाँ पे मैं बैठ के अगर जो भी मुझे स्क्रीन प्ले पे वीडियोस क्रिएट करना हो वो मैं आपको बना के एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और साथ ही में एक और जो सेटअप टूर है, मतलब यहाँ पे जो आप ग्रे कलर का स्क्रीन देख सकते हो, मतलब यहाँ पे मैं खड़े होकर एक यहाँ से भी मैं वीडियोस क्रिएट कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे सारे कंप्यूटर सिस्टम है जहाँ पे हमेशा 24 आवर्स वॉच टाइम का वर्क होते रहता है। अगर मैं इसे अगर ऑन करके भी दिखा दूँ तो अभी भी ये सारे रनिंग पोजीशन में है, बस सारे का जितने भी डिस्प्ले है सारे का स्क्रीन सिर्फ ऑफ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारे में यहाँ पे 24 आवर्स फास्ट टाइम का वर्क चलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बोर्ड है, यहाँ पे मैंने जियो फाइबर यहाँ पे मैंने लगवा रखा है। और साथ में यहाँ पे आप लाइटनिंग, अगर मैं लाइटनिंग का बात करूँ तो मैंने एक यहाँ पे दे दिया है ट्यूबलाइट, और साथ में वहाँ पे आप देख सकते हो एक बल्ब है। और साथ ही में आप यहाँ पे एक बैकग्राउंड में यहाँ पे देख सकते हो कि एक टेबल मैंने लगा रखा है। और साथ में इसके अलावा भी आप यहाँ पे एक रिंग लाइट देख सकते हो, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिजिटेक का DRL-18RT है, जिसे मैंने इसे भी मैंने अपने खुद के YouTube पेमेंट से, मतलब आप इस सेटअप रूम में जितने भी सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो मैंने सारे अपने खुद के पेमेंट से अर्न करके बना रखा है। तो यही आज के इस वीडियो में मैं मतलब आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होने वाला है कि अगर आप भी अगर YouTube पे अगर रेगुलरली वर्क करते हो तो आप भी अपने खुद के पेमेंट से एक अच्छे खासे एक सेटअप टूर क्रिएट कर सकते हो। और साथ ही में आप अपने खुद का रिंग लाइट, खुद का मतलब जितने भी सारे लाइट ट्राइपॉड अच्छे खासे, और साथ ही में आप अपने पर्सनल कंप्यूटर को भी बिल्ड करा सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे कंप्यूटर है, ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है जहाँ पे मैं वीडियोस एडिट करता हूँ अगर, या फिर अपने मेन यूट्यूब चैनल को मैनेज करता हूँ। और इसके साथ ही साथ आप एक और देख सकते हो कि मेरा ये जो लैपटॉप है, ये जो मतलब पहले जो मेरा पर्सनल सिस्टम नहीं था तो पहले मैंने इसी लैपटॉप से मैंने पहले बहुत सारे वर्क किया है। और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर रिमेनिंग वॉच टाइम में क्राइटेरिया रिमेनिंग था मैंने इसी लैपटॉप के थ्रू भी गेन किया है। मतलब आप अभी जैसे कि वो सारे कंप्यूटर्स में भी आप देख सकते हो, मैंने मेरे पास उस टाइम पर उतने कंप्यूटर्स नहीं थे, तो मैंने इसी लैपटॉप की हेल्प से विद इन वन मंथ में मैंने 4000 आवर्स वॉच टाइम क्राइटेरिया को गेन करके मैंने अपने चैनल को मोनेटाइज किया था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक मैंने कूलर लगा रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है। और यहाँ पे एक वहाँ पे भी बोर्ड का मैंने दे दिया है, वायरिंग बोर्ड का। और इधर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे मेरे सारे प्राइजेस हैं जो कि मैंने अपने स्कूल टाइम पे विन किया था, और यहाँ पे सारे प्राइजेस हैं। और यहाँ पे आप सारे प्रोडक्ट्स भी देख सकते हो जो कि मैंने बाय किया है, यहाँ पे मैंने सारा लगा रखा है। अगर आपको भी अगर यहाँ से कोई प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे मैंने QR कोड भी दे दिया, आप इसे स्कैन करके डायरेक्ट बाय कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मेरा मतलब जो नेकबैंड है, मैंने OnePlus Bullet Wire J2 मंगवाया था वो भी। और इसके अलावा आप ऊपर में देख सकते हो LED रिंग लाइट 18
आरटी अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ, इसके अलावा मतलब जितने भी सारे सेटअप मैंने गेन किया, मतलब इसके सारे जो कूट थे, जैसे कि अभी भी कुछ साउंड इको कर रहा होगा, तो इस सारे साउंड को मैं अवॉइड करने के लिए सारे मैंने कार्डबोर्ड या फिर कूट है उसे सारा मैंने प्लेस कर रखा है। तो दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में मेरे मतलब जितने भी सारे सेटअप टूर था, मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब इस छोटा ही सा सेटअप टूर था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से मैं दिखा दिया हूँगा। लेकिन और दोस्तों आपके आज के इस वीडियो में स्टार्टिंग में आपने एक सिनेमेटिक शॉट्स भी देखा होगा कि पहले ये जो रूम पहले कैसा दिखता था और अभी मतलब सारे पेंट वेंट हो जाने के बाद, मतलब सारा हो जाने के बाद, अभी तो मैंने अभी इसमें और भी कुछ चेंजमेंट्स होंगे जैसे जैसे और भी टाइम आएगा इसमें और मैं कुछ चेंजमेंट्स करूँगा। अभी भी इसमें बहुत सारे वर्क मतलब अनफिनिश्ड है ये, मतलब और भी मैं इस रूम को मतलब और भी सारे बहुत सारे एल्बम्स या फिर जो होते हैं सारे और भी मैं लगा कि इस रूम को और भी बेटर करूंगा। और दोस्तों आप भी अगर YouTube पे वर्क करना चाहते हो, अगर आप भी एक यूट्यूबर हो और आप भी YouTube से अच्छे खासे अर्निंग करना चाहते हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने चैनल पे कंटिन्यूअस रेगुलरली अच्छे तरीके से वर्क कीजिए और आप भी एक दिन ऐसा होगा कि आप भी अपने खुद के पैसे से एक अच्छे खासे सेटअप को बिल्ड करा पाओगे। और अगर अभी तक से आप स्ट्रगल कर रहे हो, अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज नहीं करा पा रहे हो, तो आप हमारे थ्रू हमसे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट करके आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करा सकते हो। अभी के टाइम में आपके YouTube चैनल को मोनेटाइज करना बहुत ही आसान हो चुका है, सिर्फ विद इन मतलब 5 to 7 डेज के अंदर ही आपके YouTube चैनल मोनेटाइज भी हो जाता है। तो अगर आप भी अपने YouTube चैनल पर अगर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स वॉच टाइम क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारे थ्रू कॉन्टैक्ट करके भी आप विद इन 5 डेज के अंदर आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।